नमस्कार, सुजाता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हलवे की रेसिपी, आटे का हलवा, जो बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिया है पानी, गर्म हो चुका है, और मैंने लिए हैं गुड़, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। तो यहाँ पे हमें गुड़ का पानी बनाना है। गुड़ का पानी हमारा बन चुका है, गुड़ का पानी तैयार है, तो अब हम इसे छान लेते हैं, जिससे इसमें जो भी गंदगी होती है गुड़ में वो निकल जाएगी। डायरेक्ट भी गुड़ को डाल सकते हैं, लेकिन जो ऐसे करके पानी हम बनाते हैं, इससे गुड़ की गंदगी जो है वो निकल जाती है। देखिए इतनी बारीक सी इसमें गंदगी निकली हुई है। तो गुड़ का पानी हमारा तैयार है। गैस में रख दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 7 से 8 ली है इलायची, दाने निकाल लिए हैं, उसे कूट लिया है दरदरा। ऑयल गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 बाउल आटा। तो आटे को हम डाल लेते हैं ऑयल में और इन्हें चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम में इसे चलाएं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो कढ़ाई गर्म है और तो तले पे लगेगा, तो हमारा जो आटा है वो जल जाएगा और हलवे का जो टेस्ट और टेक्सचर है वो हो जाएगा ख़राब। तो इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है, और जो इसमें हल्की सी गाढ़ जिसे आ जाती है आटे में, तो उन्हें भी हमने इस तरीके से स्पून को पलटते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए तोड़ लेना है। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए आटे में। देखिए इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। अब इसका कलर भी चेंज होने लगा है और खुशबू भी आने लगी है। आटा हमारा भुन चुका है, तो अब मैं जो भी गुड़ का पानी हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है, नहीं तो पानी डालते ही इसमें गुठलियाँ सी बच जाती हैं। और मैंने जो यहाँ पे अभी इलायची दरदरी कूट के रखी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप इसकी जगह अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी को मिक्स कर लिया है। एक उबाल आने तक हमने हाई को फ्लेम कर लेना है, फ्लेम को हाई कर लेंगे यहाँ पर और एक उबाल आने का वेट करना है। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है और हलवा हमारा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से आटे का हलवा बनाया है। और अगर आपको इतना पतला आटा का हलवा पसंद नहीं है तो आप इसे थोड़ा देर और गैस में पका लीजिए। हमें ऐसा ही हलवा पसंद है तो हमने ऐसी तरीके से बनाया है। आप थोड़ा मोटा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी देर और इसे कुक कर लीजिएगा, और आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा हलवा बनकर हो चुका है तैयार। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।